तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी और एनसी में लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर सेक्टर की स्टॉक को लेकर के। और ये स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी कामकाज करती है। और अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि 1215 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 308 रुपये, हाई लगा चुका 328 रुपये का, लो है 169 रुपये का। अगर स्टॉक फी की बात करें तो 19 स्टॉक फी है। इस हिसाब से अभी स्टॉक अंडर वैल्यू, सस्ते प्राइस मिल रहा है स्टॉक फी के हिसाब से। और अगर बुक वैल्यू की हम लोग बात करें, 63 रुपये की बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड एल प्रोवाइड करती 0.49% की। ROCE 36%, ROE 27%, दोनों ही ज़बरदस्त है। और फेस वैल्यू 5 रुपये की है। प्रमोटर के पास होल्डिंग 70% की है, तो प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0, इस हिसाब से कंपनी के पास बिल्कुल 0 डेप्ट है और रियल में ही 0 डेप्ट है। एनुअली प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, 60 करोड़ का एनुअली प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 27% है। इंडस्ट्रीज भी है 22 और EPS है 15 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 35 करोड़ का है। अगर हम लोग प्लस परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल 0 है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी गई है। और फ्री कैश फ्लो भी 35 करोड़ का है कंपनी के पास। अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो उससे पहले बता दें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर बाय और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर सकते हैं। प्रोस के अंदर देखिए तो कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट ला करके देगी। ट्रेड लाइन है, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 52% का इनका गुड प्रॉफिट ग्रोथ है डिलीवर कर रही कंपनी 5 साल के अंदर। ROCE है 3 साल, ROE है 3 साल का रिकॉर्ड 26%। आते हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, तो देखेंगे जून वाले क्वार्टर में कंपनी को 20 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ये जून और जून 2023 से जून 2022 में अगर कंपेयर करें तो 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2022 में हुआ था, अभी करंटली 20 करोड़ का हुआ है। मार्च 2023 में देखें 21 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिसंबर में 21, सितंबर में 18 और जून में 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी क्वार्टर वाइज अच्छा परफॉर्मेंस करके चल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का जून वाले क्वार्टर में हुआ है। मार्च में भी 16, दिसंबर में 15, सितंबर में 14 और जून में 14 करोड़ का। तो कंपनी क्वार्टर वाइज अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके चल रही है। आइए चलते मुख ईयरली बेस पे, देखते हैं कंपनी का ईयरली बेस पे क्या परफॉर्मेंस है। तो देखेंगे TTM में 80 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, 2023 में 77, 2022 में 61 और 2021 में 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली बेस पे भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखला रही है। हर साल एक नया प्रॉफिट बना रही है। वही सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स जब कंपनी के इतना अच्छा इंक्रीज हो रहा है, तो 2021 में देखेंगे तो 191 करोड़ का सेल्स हुआ है कंपनी का। वही 2022 में ये सेल्स इंक्रीज होकर 257 हो गया, 2023 में 351 हो गया, TTM में 370 शो कर रहा है। तो काफ़ी शानदार कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज तो होना ही है। तो नेट प्रॉफिट हम चेकआउट करते हैं, तो कंपनी को TTM में 62 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, TTM में 2023 में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2022 में 45, 2021 में 29, 2020 में 20 करोड़ का। तो कंपनी हर साल बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके चल रही है। देखो कंपनी ना हर साल ग्रोथ करती हुई हमें दिख रही है, या फिर क्वार्टर वाइज की बात कर लो या फिर ईयरली वाइज की। और कंपनी आपको डिविडेंड भी छोटे मोटे पे आउट करती रहती है, जैसे 10-11% तक का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। जैसे 2022-21 से कंपनी ने डिविडेंड देना पे आउट करना स्टार्ट की है।
अगर हम लोग कंपाउंड सेल्स ग्रोथ चेकआउट करें 10 साल में 24%, 5 साल में 32%, 3 साल में 30, और TTM में 32% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 40%, 5 साल में 53%, 3 साल में 144%, TTM में 26% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 1 साल में 70% स्टॉक प्राइस CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 साल में 28%, 5 साल में 28%, 3 साल में 27%, लास्ट ईयर 27% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के पास। बैलेंस शीट अगर हम लोग चेकआउट करें तो रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के पास क्या है, 230 करोड़ के इनके पास रिजर्व है। वहीं बॉरोइंग की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के पास 0% का कर्ज है, मतलब कंपनी का कर्ज नहीं है, जीरो है। कैश फ्लो की हम लोग बात करें तो 45 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास, नेट कैश फ्लो 18 करोड़ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाएँ तो 70.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ये होल्डिंग दिसंबर 2020 में 74% का हुआ करता था, वही 4% की होल्डिंग डिक्रीज की प्रमोटर ने दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में, 70 हो गया घट घट के 74 से। तब से सेम होल्डिंग बना हुआ है, दिसंबर 2022 से अभी तक सेम होल्डिंग बना हुआ है। अगर हम देखें FIs के पास 0.10% की होल्डिंग है, 0.10% यानी इसे 10% की होल्डिंग बोल सकते हैं। पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग है। तो आइए चलिए देखते हैं पब्लिक के अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है। तो हम देखेंगे पब्लिक के अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है। तो अभी ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है, तो पब्लिक के अंदर 1.77% की होल्डिंग आशीष जी के पास है, बस यही होल्डिंग है एक इंडिविजुअल्स की। बाकी समझ लो ना 29% अगर इसमें से एक घटा देंगे तो 28% की होल्डिंग किनके पास है, रिटेल आम जनता के पास है। और इस स्टॉक का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ना हो तो आप ओपन कर सकते हैं, या फिर एक है तो दूसरा भी ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक ट्रेडिंग पर्पज के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, ठीक है। तो आप ओपन कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप स्टॉक और एंजल वन का दोनों का लिंक है, वहाँ जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए बिल्कुल फ्री में, और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ लेइंग गैस सप्लाई पाइपलाइन एंड इग्रीएशन कैनल्स ब्रिज ओवर द कैनाल्स एंड रिलेटेड मेंटेनेंस वर्क कंपनी कामकाज करती है। तो इसी टाइप के काम कंपनी बिजनेस करती है। तो सर्विस ऑफर देखें तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस सर्विस का काम कंपनी संभालती है। अगर हम लोग देखें इनके पास मेंटेनेंस सर्विस भी कंपनी संभालती है, और इनका देखो इनिशियली पब्लिक ऑफर IPO इनका आया, बहुत पहले नहीं, 2021 में इनका ऑफ IPO आया, और एक स्टॉक 120 रुपये पर शेयर इनका IPO प्राइस था। 51 लाख क्वांटिटी शेयर किए गए पब्लिक के अंदर, ठीक है। क्लाइंट लिस्ट में अगर हम देखें कितने लोग क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं, तो गैल, IHB, HPCL, IOCL, ONGC, IGL, IOA, GPL, TGPL, IGGL, BPCL, स्टेट, और भी बहुत सारी क्लाइंट है। ये जो आप क्लाइंट देख रहे हो ना, ये दिग्गज कंपनीज हैं हमारी इंडिया की, जो कि इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। ONGC, IGPL, ठीक है, ये सारी ऐसी क्लाइंट है जो गैस के लिए या पेट्रोलियम के लिए कामकाज करती है, जिनके लिए कंपनी ये पाइपलाइन बिछाती है। अभी क्या हो रहा है,
मैक्सिमम शहरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो हाईवे मतलब जो रोड होता है उनके बीच में जो डिवाइडर होती है उनके बीच में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, और ये प्लानिंग बहुत पहले का है जिस पे अभी काम काज किया जा रहा है। तो इन मतलब पाइपलाइन अगर जो बिछ रहा है उससे किन्हें प्रॉफिट होगा, इन इस कंपनी को प्रॉफिट होगा जो काम काज करवाएंगे। अभी शहरों में पाइप बिछना स्टार्ट हुआ है, गाँव तक तो पाइप पहुँचा ही नहीं है, तो अभी शहरों में भी नहीं पहुँचा है, बहुत सारे कुछ कुछ शहरों में जो मेन सिटीज है वहाँ पे ऐसा हुआ है। रेवेन्यू बैकअप की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 99% की रेवेन्यू कंपनी लाती है, अदर इनकम से 1% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन 16 स्टेट के अंदर, 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर, द फर्स्ट पाइपलाइन लिंक को फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एक्जीक्यूट एंड द फर्स्ट एवरी ट्रेंस नेशनल हाइड्रोकार्बन्स मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल को जो कनेक्ट करता है उन्हें भी उस पर भी कंपनी काम काज कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, द को हैज कंप्लीट प्रोजेक्ट इन स्टेट सच एस MP, AP, आंध्र प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, UP एक्सेट्रा फॉर क्लाइंट लाइक अवंतिका गैस लिमिटेड के थ्रू, GAIL इंडिया लिमिटेड के थ्रू, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के थ्रू, इंडियन ऑयल, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, ONGC के थ्रू। प्रोजेक्ट मेनली इन्वॉल्व MDPE पाइप लेइंग एंड स्टील पाइप लाइन लेइंग के थ्रू कंपनी, मतलब तो इतनी प्रोजेक्ट को कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो कंपनी के कुछ ऑर्डर बुक हुए 2022 के दौरान ही, तो देखेंगे 177 करोड़ का वेरियस ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ड्यूरिंग क्वार्टर सेकेंड 2022 में इनको ऑर्डर मिले, 305.85 करोड़ फ्रॉम ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कॉलेड निहोब्लिग्र रिफाइनरी लिमिटेड के थ्रू, और 120 करोड़ ऑफ वेरियस ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज ड्यूरिंग 2022 क्वार्टर थ्री में हुआ था, इन्हें ये ऑर्डर मिले थे। 129 करोड़ का फ्रॉम GAIL के थ्रू इन्हें ऑर्डर मिला फरवरी 2023 में, तो ये सारे ऑर्डर मिले हुए कंपनी को। देखो अभी भी जो भी अभी कंपनी के जो भी बिजनेस है ना, ठीक ठाक कंपनी के बिजनेस है और अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। और कंपनी जब से इनका IPO आया हुआ है, मार्केट में लिस्टेड हुई है, देखो इनका IPO का प्राइस 120 का था और ये लो लगाया 63 रुपये का भी, ठीक है। लेकिन अगर ये लो 63 रुपये का लगाया, अगर आपने लो के टाइम अगर बाय किया होता तो समझ लो कितना भयानक वाली रिटर्न आपको मिल रहा होता। अभी तक 2021 से अभी तक आपको 424% का रिटर्न मिल रहा होता। अगर आपने नहीं वहाँ पे बाय किया होता और इस करेक्शन के दौरान 1 जून 2022 में अगर आपने एंट्री ली होती तभी भी 171% का रिटर्न मिल रहा होता। इतना कम समय में इतना हाई रिटर्न मिलना कम बात नहीं है। और अभी भी करेंटली जो टाइम चल रहा है इस समय स्टॉक की जो स्टॉक वी है उस हिसाब से कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू सस्ते प्राइस में है। अगर छोटे मोटे करेक्शन होते हैं उस दौरान अगर आप एंट्री लेते तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर जाएंगे। अभी देखो निफ्टी गिर रही है लगातार 2 दिनों से, अगर इस दौरान ये स्टॉक भी गिरता है तो इधर कहीं हम पोजिशन बना के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है, फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर साल क्वार्टर वाइज या ईयरली वाइज परफॉर्मेंस लाजवाब है, कंपनी के पास कर्ज नहीं है। और प्लस ये है कि कंपनी आपको डिविडेंड भी पे आउट करती है, दूसरा नंबर ये कि कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं और प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग, 70% की होल्डिंग कुछ मायने भी रखता है, ठीक है। दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर हम एंट्री लेते हैं इस स्टॉक के अंदर, अगर हमें अगर ये कंपनी हमें प्रॉफिट देती है एक साल के अंदर, देखो अगर आप एंट्री ले रहे हो ना तो कम से कम आपका नज़रिया 5 साल का तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ना, हाँ अगर 5 साल की अंडर में ही 5 साल का आपका नज़रिया है, आपने एंट्री ले ली, उससे पहले अगर 100% की प्रॉफिट दे रहा है तो आपको सेफली अगर खेलना है सबसे पहला काम आपको अपनी कैपिटल बाहर निकालना होगा।
आप अपनी कैपिटल को बाहर निकालिए, प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, और प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए भी छोड़ करके होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर उस कैपिटल को निकाल रहे ना, तो उस कैपिटल को आप डाइवर्सीफाई कर सकते हैं। जैसे देखो हमारी पोर्टफोलियो डाइवर्सीफाई अगर है तो हमें और भी बेहतर होने वाला है। अब जिससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। अगर आपने अपनी कैपिटल निकाल तो रिस्क फ्री हो गए, अब आपका विशेष चिंता मतलब आपका टेंशन नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक से लेकर के, यानी जिसमें आप होल्डिंग बनाए हैं। और नेक्स्ट जिसमें आप अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल गई, उसमें अगर आपने एंट्री कर ली, तो आपका 2 बिजनेस हो जाएंगे, उसी पैसे से 2 बिजनेस स्टार्ट हो गए। अगर मान लेते हैं इन द फ्यूचर अगर ये बिजनेस ख़राब होता है, तो अगला बिजनेस तो सही है। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इन द फ्यूचर अगर इसमें अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दी, अगर वो कंपनी नहीं बनाई, फिर भी आपका विशेष वो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से तो पैसा नहीं कॉस्ट में रहेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर जीरो भी हो जाता है, फिर भी आप यहाँ से सेफ रहेंगे। ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाया जा रहा है ना, कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं, तो आप अपने रिस्क और बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।